डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। क्षेत्रीय नागरिकों की लगातार मिल रही जिस्म फरोशी की शिकायतों पर पुलिस ने शनिवार की दोपहर तहसील नगर फूलों वाली गली में छापा मारकर एक युवक व युवती को हिरासत में ले लिया। क्षेत्रीय नागरिकों ने पुलिस के सामने खुलकर आरोप लगाया कि यहां एक महिला द्वारा जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा है। बच्चों पर पड़ रहे गलत प्रभाव के चलते इसका विरोध करने पर महिला झगड़े पर उतारू हो जाती है। ये इलाका लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, बोनिया इस बारे में क्षेत्रीय नागरिकों ने यह जानकारी दी। मामला यह, हमारा घर सामने ही है, 3-4 घर हमारे घर में लड़की है, हमारे जवान जो भी गली में आता है हम पूछते हैं कौन है, तो कहते हैं कि चाचा है, भतीजा है, मामू का लड़का ये है। आज हमने मौके वारदात पे पूरे महल्ले ने दबोच लिया, वो नाबालिग लड़की है जिसका नाम यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ तो आपको पता है जिस्म फरोशी हो रही है, जिस्म फरोशी हो रही है पिछले 10-12 सालों से, और इस पर कई बार मोहल्ले वालों ने एक्शन लिया लेकिन इसने कभी भी मोहल्ले वालों की बात नहीं मानी, क्योंकि इसके जो साठ गांठ है बड़े अच्छे आदमियों से हैं जिनके ऊपर ये काम कर रही है। क्या नाम है इनका? इसका नाम है जेबो निशा, आंटी के नाम से मशहूर है इस काम में, दूर दूर तक फेमस है, आंटी के नाम से फेमस। इसके बाद इसके मियाँ की दुकान है ढलाई वाली गली के सामने, साइकिल वाली की। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।